अजमेर शरीफ दरगाह में खादिमों की अंजुमन के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। चुनाव में कुल 63 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कुल 41,043 वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में खादिम मोहल्ला स्थित ख्वाजा उस्मानिया स्कूल में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। मतदान रविवार 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दरगाह के निजाम गेट से लेकर सभी गली मोहल्लों में पार्टियों के बैनर व पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं सभी उम्मीदवार अपने जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपने जीत के प्रति आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। खादिमों की अंजुमन सैयद जातगान के लिए 3 पार्टियों के 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीनों पार्टी के उम्मीदवार जायरीन और कौम के हक में एक से बढ़कर एक काम करने का दावा कर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंजुमन के चुनाव में एक मतदाता 21 वोट डालकर अपनी पसंद की अंजुमन कमेटी को जीत दिलाने का प्रावधान है। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं अंजुमन सैयद जातगान के। इस बार भी चुनाव 20 तारीख को है, 20 जनवरी को, और हम ये चाहते हैं कि जो भी चुनाव में परिणाम निकले एक कामयाब निकले और हमारी कौम का भला हो और हमारी कौम का जो जितनी भी अच्छाइयाँ और तारीफें जितनी भी हमें मिलनी चाहिए हासिल होनी चाहिए वो सब हमारे बराए गरीब नवाज के कर्म से हासिल होती रहती हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम के जो कामयाब लोग अंजुमन में चुनाव में जीतें और वो इस तरह से काम करें कि हमारी कौम का और नाम रोशन हो। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।